बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो गांव में आके मेरा फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, और पिछले दो तीन दिनों से जी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और अब इस सर्दी की शिद्दत में जी काफ़ी कमी आ गई है क्योंकि धूप अच्छी तरह आज निकली है। देखिए, पहाड़ों में जी इतने नीचे तक जी बर्फ़ आ गए थे और आज धूप निकली है खासी। यहाँ पे देखिए जी, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि आप लोग भी बचपन में जिस तरह के घर बना कर खेला करते थे, और हम भी खेला करते थे जब हम छोटे थे तब। और जी, जो ब्लॉसमिंग का सीज़न है, ये भी हमारे गांव में शुरू होने वाला है। मतलब अभी तो शुरू हो गया है, जो पीक पर नहीं है। जब ब्लॉसमिंग का जो सीज़न है ये पीक पर आ जाएगा, तो हम इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। और सामने देखे, खेती बाड़ी की जी काम जारी है। ये देखे, यहाँ पे खेती बाड़ी की जो काम है ये यहाँ पे जारी है। अस्ताव भाई जी खाद बिखेर रहा है, और मीरवली भी उसके साथ है। और इस खेत में बाकी तकरीबन काश्त हो गए, पूरे जितने भी है काश्त हो गए। एक दो खेत बीच में बचे, यहाँ पे भी काश्तकारी होगी। अभी ये मवेशी खाने हमारे बैल और गाय। ये एक मिनट, ये मुझे चाहिए। ये ना, ये तो जी ये जो चीज़ नहीं है, ये अखबार में कहते हैं इसको बेलू, और ब्रुशास्की में इसे कहते हैं तुनी। और ये देखें, और इसको तारों से हमने जोड़ा है क्योंकि ये जी ख़राब हो गया था, पूरा ख़राब हो गई है। तो आज हमने सोचा कि कुछ इस नया बनाते हैं ये, क्योंकि ये अभी किसी काम का नहीं है। देखिए, पूरी जी होल्स बने हुए हैं, तो ये नया बनाते हैं। और ये हमें हमारे किस काम आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे एक बेड के दो बच्चे पैदा हुए, तो सर्दियों में हम क्या करते हैं, इसके नीचे थोड़ा भूसा डालते हैं और इसको ऊपर रख के, उनको अंदर रख के फिर ऊपर गरम कोई कपड़ा वगैरह हम डालते, तो वो अंदर गरम रहते हैं रात भर। तो और इसके अलावा इसमें हम ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, इसमें हम सर्दियों के लिए अंगूर सेव करके रख सकते हैं, और खाद वगैरह भी हम इसमें डाल के बाहर खेतों में हम ले जा सकते हैं इसमें। और भी ये गाँव में बहुत ज़्यादा ये हमारा काम आता है, तो आज हम इसको बनाने लगे। आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये कैसे हम बनाते हैं। देखिए जी, जो बेड के जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, ये है बहुत छोटे। देखे, तो हमें वो चीज़ बनाने के लिए जी एक दरख्त की नीड होती है, और उसके लिए जो लकड़ियाँ है वो यहाँ से हम काटेंगे। तो जी, इनसे तकरीबन जो हमारा काम है वो हल हो जाएगा, क्योंकि थोड़े गर्मी भी पड़े हुए थे, कल मैंने काटा था। तो जी, इनमें से जो बड़े नहीं हैं, बड़े हम इनको पहले इनका सफाई करेंगे इस चाकू से। देखिए, जब ये साफ़ हो जाए ना, तो ये नहीं है आगे वाला, इसको थोड़ा सी हम करेंगे थोड़ा तेज नोक नोक वाली, बस हो गई। ये हो गई, इससे क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर ना आसानी से जी खड़ा हो सकता है। तो तकरीबन हम
सारे जो बड़े हैं इनको हम करेंगे। तो जी सबसे पहले जी हम यहाँ पे गोल दायरा बनाएंगे। इसके लिए ये इस तरह का एक गोल दायरा हमने यहाँ पे बनाया, और इसके बाद जो हमारा काम होगा ना वो इसी लाइन ऊपर है, इसको एक और दो दो हम साथ में इसको लगाएंगे इस तरह। एक भी आप लगा सकते हो, एक भी, लेकिन हम दो लगाएंगे। और अभी जो हम करेंगे ना, ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह और इस तरह होगा ये हमारा। तो देखिए जी जो हमारा काम था वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, बस यहाँ तकरीबन यहाँ तक हम करेंगे। लेकिन लास्ट वाला जो यहाँ पे जो काम होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो या वालिद साहब आएंगे वो थोड़ी हेल्प करेंगे मेरे, या दादा को बुलाएंगे वो हमें हमारी हेल्प करेगा जी करने में। आए दादा, आपकी हेल्प चाहिए यहाँ पे लास्ट वाली जी कंप्लीट करने के लिए। तो जी दादा ने हमें थोड़ा कुछ सिखाया है, देखें उनको ना एक को पीछे हम वो करेंगे इस तरह ना, ये हो गया। अब ये जो बचता है ना इसको थोड़ा निकालेंगे बाहर, फिर जी ना फिर इसको मोड़ के ना अंदर यहाँ पे देखे, ये और ये दादा ने जो बनाया है इसी की तरह जी ये पूरे, ये यहाँ से पूरे इसकी तरह बनाना है। तो जी ये देखिए ये काम ना हो गई जी कंप्लीट। अब बचती है जी हाँ एंडिंग वाला काम, ये एंडिंग वाला काम बचती है। इनको यहाँ यहाँ से ना काटना है छुरी से। सबसे जो मुश्किल है ना वो ये एंडिंग वाला काम है, बहुत थकाता है जी। अभी ना दादा भी नहीं है तो मैं अकेले बना रहा हूँ, और अभी जो एंडिंग है ना खा रहा हूँ, मतलब बना नहीं रहा हूँ मैं, इस तरह नहीं बनाते। लेकिन मैं अपना कारीगरी जो है नहीं है वो
वो आजमा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं लास्ट में कैसी बनती है। तो जी ये रहा हमारा एंडिंग, और एंडिंग से पहले देखें मेरे हाथ हर जगह जी खून निकले हुए, और इनको ना अभी जो बाहर निकले इनकी अभी सफाई करनी है। तो जी आखिरकार जी हमारा जो काम था वो देखे बहुत भारी है जी, कंप्लीट हो गया। और ये पहली बार है कि मैं कोई वीडियो बना के थक रहा हूँ, क्योंकि 8-9 घंटे लगे मुझे इसे बनाने में। तो फर्स्ट टाइम इतनी जी ज़्यादा देर में एक ही वीडियो बनाता रहा। तो जी अब भी इस वीडियो को अख्ताम की तरह ले जाने का वक्त आ चुका है। आखिर में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।